जल निगम और यूटीआईपीएल कंपनी द्वारा शासन को 178 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। यह मामला पन्ना जिले के शाहनगर और पवई तहसील में चल रहे जल निगम के पेयजल योजना का कार्य में सामने आया है। इसका काम चंडीगढ़ की कंपनी यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और जल निगम की देखरेख में हो रहा है, लेकिन दोनों की मिलीभगत से काम में अनियमितताएँ हो रही है। कंपनी द्वारा पानी की टंकियाँ भी गुणवत्ताहीन बनाई जा रही है। इन टंकियों में तेंदुघाट बांध से पाइपलाइनों के माध्यम से पेयजल ग्रामीण अंचल तक पहुंचेगा, लेकिन कार्यों में काफ़ी कमियां नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि शासन से धनराशि प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा 110 सेंटीमीटर में डाले गए पाइपलाइन के बिल लगाकर पूरे पैसे लिए जा रहे हैं और कंपनी के मैनेजर द्वारा ठेकेदारों से गहराई कम में पाइप डाले हैं यह बताकर पैसे काटकर कम पेमेंट किया जाता है। लोकल के ठेकेदारों को पेमेंट समय पर नहीं दिया जा रहा है और पेमेंट मांगने पर मैनेजर आकाश गोल्डी द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। आप क्यों नहीं? आप हाँ आराम से बोलिए। चलो आप बकवास कर रहे हो पहले से। आराम से तेरे से कब पैसा लेने की कंपनी? तो मैंने आपसे बोला कि पैसा दो, वो बोल रहा है। वो बोल रहे ना, आपका कोई काम नहीं है। बाहर बैठिए आप। आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? चलो आइए सर। चलो आ, कोई नहीं, कर लेना। सर मेरा नाम योगेंद्र नाथ तिवारी है सर। अच्छा, किस कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं सर? कंपनी का नाम बताएं। यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। किस तरह का काम हो रहा है सर जी? सर ये पाइप द्वारा जल पहुंचाने की, घर घर जो है जल पहुंचाने की योजना है। 158 गाँवों में जल की आपूर्ति होनी है, जिसमें हमारी टंकियाँ बननी है, उच्च स्तरीय टंकी बननी है और उसके साथ साथ जल संशोधन यंत्र बनना है और पाइपलाइन बिछानी है गांव-गांव में और ले जा करके घर घर के अंदर जो है नल लगाना है पाइप का, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए जगह जगह हमें नल लगा के देना घरों में जी। ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है सर 178 करोड़ का जी। पन्ना जिले के शाहनगर जनपद पंचायत के 156 गांव में 178 करोड़ की लागत से घर घर गांव-गांव पानी पहुंचाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी परियोजना जो कि जल निगम की देखरेख में यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ के द्वारा इस कार्य को संपादित किया जा रहा है, उसको निर्माण एजेंसी बनाया गया है। लेकिन मेरे संज्ञान में गांव के लोगों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये लाया गया है कि कंपनी के द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है और इसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जैसा कि हमें ये मालूम चला है कि कंपनी को पाइपलाइन नीचे गहराई में लगभग 3 फीट से भी अधिक की गहराई में खोद कर डाला जाना चाहिए, लेकिन बहुत सतही स्तर पर पाइपलाइन बिछाकर उसको ढाका जा रहा है। लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में ये पाइप उखड़ सकते हैं और क्षतिग्रस्त हो सकती है। बहुत बड़े उद्देश्यों से इस योजना का की स्वीकृति की गई है, उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। आने वाले समय में इस क्षेत्र के जल संकट के लिए योजना बहुत लाभदायी हो सकती है, लेकिन इसके निर्माण में अगर मॉनिटरिंग नहीं की गई, ठीक से देखरेख नहीं की गई तो व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करके बाहर की कंपनी चली जाएगी और क्षेत्र की जनता को स्थायी क्षति होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सत्तासीन जनप्रतिनिधियों की खामोशी से इसमें लापरवाही करने का कंपनी को पूरा मौका मिल रहा है। इसलिए मैं क्षेत्र की जनता को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि 181 के माध्यम से, जन सुनवाई के माध्यम से अपनी आवाज को इस कंपनी के खिलाफ बुलंद करें, ताकि प्रशासन के संज्ञान में ये विषय आए और इसमें होने वाली अनियमितताओं को रोका जा सके। और यदि कंपनी और अधिकारी नहीं चेतते हैं तो इनके खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।